भाई जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, जो एक होते हैं वो तो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो आपकी हेल्दी लिविंग है, आपको अच्छी तरह से रहना है, इफ़ यू हैव टू लिव वेल, तो लिव वेल डाइट अपनानी चाहिए। जी हाँ, लिव वेल डाइट क्या है ये बात करेंगे हम आज आपके साथ, और उसके लिए मैं आपसे मिलवाऊंगा एक डॉक्टर, और बहुत मशहूर डॉक्टर हैं क्योंकि उनके इशारों पे मैंने बहुत लोगों को नाचते हुए देखा है। तो जी नहीं नहीं, डांस नहीं करवाती, लेकिन अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो ऐसे मनवाती हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो सीधे एकदम लाइन में मानते हैं बात और खुश होके हेल्दी लिविंग लीड करते हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सरिता दावड़े। आइए, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। ये जो किताब है द लिव वेल डाइट, डॉक्टर सरिता दावड़े, संजीव कपूर। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बुक देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर सरिता दावड़े और यहाँ पे भी डॉक्टर संजीव कपूर हो गया। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि ये जो लिव वेल डाइट है इसमें मतलब क्या मेन प्रिंसिपल्स? लिव वेल इटसेल्फ दिखाता है कि लिविंग हेल्दी, हेल्दी लिविंग से शुरू होता है खाना, फूड दैट इज, दूसरा फैक्टर एक्सरसाइज, तीसरा स्लीप, ठीक, चौथा स्ट्रेस रिलीफ, पांचवा सम पार्ट ऑफ पैसिव एक्सरसाइज लाइक मसाज, ओके, छठा डिटॉक्स, सातवा गुड स्लीप, ओके, सात से आठ प्रिंसिपल से लिव वेल कहा जाएगा। मतलब एक्सरसाइज भी हो गई, आराम भी हो गया, खाना भी, और अच्छा खाना भी, अच्छा खाना, टेस्टी भी। हाँ, अच्छा खाना और टेस्टी, हाँ। दोनों होना नहीं तो लोग बोरिंग समझते हैं ना कि डाइट में खाना बोरिंग, बॉइल्ड फूड है या सर। हाँ, इसमें ऐसा नहीं, बहुत अच्छी रेसिपीज है। अच्छा, मुझे एक आपका ये सुबह पीने वाला जूस जो है आप प्रिस्क्राइब करते हैं, दूधी का जूस। दूधी का जूस बड़ा कमाल का है जूस, ये टेस्टी और हेल्दी। टेस्टी और हेल्दी। अच्छा, तो इसका रोल क्या है? और मैं दूधी का जूस जो है, जो आपकी रेसिपी है, ये लत लगाने वाली रेसिपी है, मैं जानता हूँ। और बड़ी कमाल की रेसिपी है, सिंपल है, रोज पी सकते हैं। हाँ। तो इसमें इसका फायदा क्या है? सबसे पहले ये दूधी का जूस एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, खाली पेट, ठीक है, क्योंकि रात का बॉडी में जमा हुआ जो म्यूकस होता है उसको फ्लश करने का काम ये दूधी करता है। ओके। सो ये डिटॉक्सिफिकेशन, क्लियरेशन ऑफ द सिस्टम ये कराता है। इससे रात का जितने फैटी टिश्यूज है जो बॉडी में डिपॉजिट होते हैं वो फ्लश करने का काम ये कराता है। सो ये इसमें दो प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें विटामिन की बहुत ज़्यादा, न्यूट्रिशन फैक्टर बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और सिस्टम क्लीनिंग के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। इवन इसमें जितने फैटी टिश्यूज को ब्रेक करने का काम ये दूधी कराता है। एवरीथिंग अंडर वन रूफ, दैट इज दूधी जूस। क्या बात है। तो ये दूधी जूस जो है ये फटाफट इसमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ मतलब नॉर्मल इसको मिक्स कर देना, मिक्स करना है, है ना? तो ये हम लोग जूसर में भी कर सकते हैं और मिक्सर में भी कर सकते हैं। ओके, तो जूसर में करा जाए या मिक्सर में किया जाए, क्या कहते हैं आप? मिक्सर में करेंगे, बिकॉज वो रेसिपी में उसी में दिखा गया है। हाँ। क्योंकि फाइबर भी है, थोड़ा वाटर कंटेंट भी जाना चाहिए। हाँ। इसी के लिए मिक्सर ज्यादा कन्वीनियंट है। एक बताना चाहूंगी कि दूधी में दो प्रकार का दूधी होता है। एक ऐसा है कि जितनी मोटी बी रहती है वो जूस के लिए यूज नहीं करें, ठीक है। सो दूधी जितनी पतली चीज है वो हेल्थ के लिए अच्छी है। हाँ। ऐसे दूधी का रस ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या बात है। आप दूधी परचेस करते समय देखिए कि वो दूधी थोड़ा सा लाइटिश ग्रीन होना चाहिए, उसमें सेठ जो रहेंगे वो थिक नहीं होने चाहिए, पतली होनी चाहिए, बेबी दूधी होना चाहिए, छोटे वाले फॉर जूस। क्या बात है। जीरा इसी तरह से डाल दिया जाए? यस, पीस जाता है, पीस जाता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा इसमें डीवर्मिंग होता है जीरा में, और इसके अलावा इसमें गैसेस भी, जिसको गैसेस की तकलीफ है या ब्लोटिंग की है, ये इससे बहुत रिलीफ होता है। और तो अदरक इसके अंदर, और उसके साथ साथ नींबू का रस। यस, ओके, एंड मिंट। पुदीना तो कमाल की चीज़, कमाल की चीज़ है। पुदीना वैसे नहीं खाया जाता, बट ये जूस या इस फॉर्म में गए तो बहुत अच्छा है पुदीना। तो ये इसमें तुलसी के लीव्स डाल के इसको, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जूस है ये, है ना? और थोड़ा पेपर भी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और क्या है इसके अंदर? पानी, बिकॉज़ वो लिक्विड है। चलिए, तो पानी आप दे दें मुझे। सॉल्ट के बारे में क्या कहना है? डिटॉक्स जूस में यूजुअली सॉल्ट ऊपर से ऐड नहीं करें, स्पेसिफिकली फॉर ब्लड प्रेशर पेशेंट्स,
और सॉल्ट रिटेंशन नहीं होना चाहिए. इसी के लिए थोड़ा रॉ सॉल्ट ज़रा केयरफुल रहे, स्पेसिफिकली हार्ट डिसीज एंड ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, एजिंग के लिए भी बिल्कुल. पर थोड़ा टेस्ट में भी थोड़ा सॉल्ट लगता है. सो इसमें दो क्राइटेरियाज है, आइदर हेल्थ देखे या टेस्ट देखे. ठीक बात है. सो हम लोग हेल्थ के लिए देख रहे हैं फिलहाल, तो मैं तो बिल्कुल इसके अंदर नहीं डालेंगे. ये जो है ये तो हो गया तैयार. ये और इसको, ये मेरे ख्याल से ये जो जूस वगैरह है, ये खासतौर से दूधी का जूस, जो लौकी का जूस है, जब अपने आपसे ये रेसिपी बताई है, ये दूधी के भाव बढ़ गए हैं. और ये जो है डिटॉक्स के लिए परफेक्ट, और वेट लॉस के लिए डिटॉक्स जो है बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है. चलिए तो ये तो जूस हो गया. आज के कार्यक्रम में आपका वज़न कम करा के ही रहेंगे, ये शुरुआत है, देखते रहें.